आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलजी लद्दाख ने मरकजी वजीर भूपिंदर यादव से नई दिल्ली में की मुलाकात। लद्दाख के माहौलियात और दीगर कई अहम मामलात पर हुआ तबादले ख्याल। लद्दाख टूरिज्म को मिला बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड। 3 रोज आउट बाउंड ट्रेवल मार्च के दौरान फतह करार। वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बेहतरीन डिजाइन और सजावट के लिए अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से नवाजा गया। और ICDS ने ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और ग्रोथ असेसमेंट प्रोग्राम का क्या इनकार। आंगनबाड़ी वर्करों को दी गई तरबियत और जरूरी जानकारी। पोस्ट ग्रेजुएटी प्रोग्राम फेयर रजिस्ट्रेशन गोजुक छचे एडमिशन ई फेयर फेब्रुवारी चिग्नफल लगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल फेचेंचुक शेसिल कनकुनिस स्कूल ऑफ साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस यंग स्कूल ऑफ आर्ट साइंसेस स्ट्रीम कुलियंग एडमिशन लेन मंग एंड चेंचुक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से चोक्सना शेसिल कनुनी फन केवे। और अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख पीडी मिश्रा ने नई दिल्ली में माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपिंदर यादव से मुलाकात की है। लद्दाख के माहौलियात और जंगलात से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इस मौके पर दीगर कई अहम मामलात पर भी बातचीत हुई है। लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन ने नेहरू युवा केंद्र करगिल और महकमे ट्रांसपोर्ट करगिल के इश्तराक से आरटीओ ऑफिस करगिल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस सेशन का इनेकाद 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जारी रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में बेदारी के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर किया गया था। इस सेशन का मकसद हादसात की बुनियादी वजूहात का पता लगाना, बेहतरी के लिए अहम शोबों की निशानदेही करना और मौसर मनसूबों और अगले इकदाम पर अमल दरामद के लिए ताउन करना था। सेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज काचू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था वो बहुत इफेक्टिव रहा। जैसे जो आज के प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया गया है लद्दाख ट्रेवल फाउंडेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड नेहरू युवा केंद्र तीनों के कोलैबोरेटिव में, तो आज का ये काफ़ी इफेक्टिव रहा। जैसे हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं या फिर हम यहाँ पे देखा जाए टाउन प्लानिंग कैसे करना है, जैसे कि ये कारगिल टाउन में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उसको कैसे कम किया जा सके, इन पर ये हमने डिस्कशन हुई। तो काफ़ी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, उन्होंने अपना अपना व्यू शेयर किया। तो फर्दर यही उम्मीद है कि जितना हो सके टाउन में कंजेशन कम होंगे तो ट्रैफिक वाले भी अपने काम अच्छे से निभा रहे हैं, तो आज का जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल ही रहेंगे आगे वाले आने वाले ट्रैफिक प्लानिंग में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस ICDS करगिल ने ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और ग्रोथ असेसमेंट पर एक जामे ट्रेनिंग का इनेकाद किया है, जिस दौरान आंगनबाड़ी वर्करों की एक खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और ग्रोथ असेसमेंट के हवाले से तरबियत और जरूरी जानकारी फराहम की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल गुलाम महदीन अवानी ने एक मीटिंग की सदारत की है, जिस दौरान कल से शुरू हो रहे विंटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म फेस्टिवल के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर कई मुलाजमीन ने शिरकत की थी। इधर डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखदेवे ने DC ऑफिस लेह में अफसरान के साथ एक मीटिंग की है, जिस दौरान सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत पेश करदा तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान चीफ प्लानिंग ऑफिसर ने वजारत दाखिला के अंदर 436 मनसूबों की अहमियत और वाइब्रेंट विलेजेस के इकदाम के लिए जेर इल्तवा मनसूबों पर रोशनी डाली है। खासतौर पर वाइब्रेंट विलेज के तहत मुख्तस 76 प्रोजेक्टों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है, जिनमें रोंगू एलने में आइस हॉकी रिंग की तामीर,
रूंगले एलनी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक सोलर राइजडा हाफ किचन हाई स्कूल चुमथांग के लिए एक मनी इंडोर स्टेडियम एक चिशूल में फर्स्ट एड सेंटर और डंगथी में एडब्ल्यूसी सेंटर और दीगर शामिल है। लद्दाख टूरिज्म को 3 रोजा आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट के दौरान बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड का फातह करार दिया गया है जो जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कॉम्प्लेक्स मुंबई में शुरू हुआ था। लद्दाख टूरिज्म ने अपने एक पैगाम में कहा है कि एक नाकाबिल यकीन कामयाबी लद्दाख की बेमिसाल खूबसूरती को इंतहाई दिलकश और शानदार अंदाज में जाहिर करने के लिए उनकी कोशिश और लगन का नतीजा है। पैगाम में मजीद कहा गया है कि लद्दाख टूरिज्म ये बताते हुए बहुत खुश हैं कि उन्हें 8 से 10 फरवरी के दौरान वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बेहतरीन डिजाइन और सजावट के लिए बावकार अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से नवाजा गया है। लाहौर कारगिल के जुड़वा अजला से 30 से ज्यादा ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन के अराकीन होटल मालिकान और सयाहत के अहदेदारों ने लद्दाख को एक मुख्तलिफ और चैलेंजिंग सयाहती मकाम के तौर पर दिखाने के लिए इस तकरीब में शिरकत की थी। वज़ीर मम्लिकत बराए ज़िरात और किसानों के बहबूद कैलाश चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ हुए रोज़गार मेले के दौरान बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर लद्दाख में शिरकत की थी। इस मौके पर नौजवानों में जाए अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए। वहीं सेशन के दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत की कामयाबी में बरती में ज़बरदस्त बेहतरी की कामयाबी की तारीफें की हैं और कहा है कि साबिक रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख ने गुज़श्ता 10 सालों में 2000+ नौकरियाँ फराहम की हैं। कैलाश चौधरी ने भी यूटी लद्दाख को तमाम शोबों में तेजी से तरक्की करने पर मुबारकबाद दी है। इधर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने जोजिला पास पर गाड़ियों की आमद रफ्त दोबारा शुरू करने के लिए तमाम मुतलका स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। CEC ने जोजिला पास को दोबारा खोलने और गाड़ियों के हमवार नकल हरकत में करीबी तालमेल और अमलावरी के लिए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ADGP लद्दाख का पुलिस और बीकन के मुतलका अफसरान के अलावा डिप्टी कमिश्नर कारगिल और SP कारगिल समेत जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। के फजल करम से फिर एक बार 12 फरवरी को जोजिला एक्सेस पे गाड़ियों का आना जाना आमदरफ बहाल हुआ तो आज उस सिलसिले में हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन से हमने यहाँ से 10 गाड़ियों को सोनमर्ग भेजा था जो कि वहाँ से चूंकि श्रीनगढ़ से आने वाले जो हमारे टैक्सी वगैरह थे वो यहाँ आना नहीं चाहते थे तो हमारे मुसाफिरों को यहाँ से वहाँ से लाने के लिए यहाँ से हमने 10 गाड़ियों को भेजा तो वहाँ से भी 27 गाड़ियाँ थे कुल मिला के 37 गाड़ियाँ पास हो गए और अभी तक हमारे मैक्सिमम गाड़ी द्रास पहुंचे हैं खुदा के फजल करम से और उसमें टोटल 160 से भी ज्यादा मुसाफिरों ने आज जोजिला क्रॉस किया और इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे ADGP पुलिस लद्दाख उनका बहुत मशकूर हूँ। साथ में हमारा SP साहब हमारे DC साहब श्री डरबुक न्यूमा और नोबरा जोन के मिडिल स्कूल के साइंस असातिज़ा के लिए 3 रोजा साइंस की अमली तरबियत का आगाज लेह में हुआ है। प्रिंसिपल डाइट लेह ने तबियात के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनीष गुलाटी का वालहना इस्तेकबाल किया और हुकूमत हिंद के स्पॉन्सर प्रोग्राम के साइंस कम्युनिकेशन मॉनिटर उन्होंने साइंस के तजुर्बात की अहमियत पर जोर दिया और साइंस के असातिज़ा के हौसला अफजाई की कि वो अपने तदरीसी तरीक़ाकार में मशगूल होने और उनको बढ़ाने के मौके को कबूल करें जिससे बराकर उनके तलबा को फ़ायदा पहुँचे। इमाम खुमैनी की क़यादत में 1979 के इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल में हज़ारों मर्द ख़वातीन की भरपूर शिरकत के साथ मनाई गई हैं। उस तकरीब में कारगिल शहर में एक अजीम शान रैली और हुसैनी पार्क में एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ देहातों से अकीदतमंदों का एक ग्रुप
जैनबिया चौक से पुरजोश रैलियों में मार्च करते हुए कारगिल शहर में जमा हुआ और कारगिल बाजार में जामिया मस्जिद से होते हुए हुसैनी पार्क पर इख्तिताम पजीर हुए। हुसैनी पार्क में कारगिल के मुमताज रहनुमा हाजी असगर अली करबलाई और शेख सादिक ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस्लामी इनकलाब और मुस्लिम दुनिया के मौजूदा मसाइल पर रोशनी डाली। दुनिया ने देख लिया है पिछले इस 40 साल इनकलाब के दौर में हर दुनिया की इस्तेकदार की तमाम तर कोशिशों के बावजूद साइंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जिस तरह इस्लामी इनकलाब ने तरक्की किया वाकई हमें फख्र होना चाहिए। और ये मिल्लत जिस तरफ से दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट में, चाहे बाकी दुनिया के अफेयर में, तो हमें एज ए शिया इस नशीरे होकर भी फख्र है कि आलिमा की इस इनकलाब को जिस इनकलाब अगर ची शुरू से ही आगे यौमल्लाम का जो फरमान है कि खसमन वलिलमज़लूम आउना, ये सदा थी जो मौला मुत्तकियान अली अलैहिस्सलाम ने दी। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ये इनकलाब उनका खुद एक इमाम खुमैनी का एक फरमान है कि इन्ना मुशारिकून वल्मज़लूमीन फिल आलम, उन्होंने सिर्फ जो है ईरान तक महदूद करके नहीं बताया, बताया कि दुनिया के हर मजलूम के गम में हम शरीक हैं। इमाम खुमैनी का ही फरमाइश है। लिजा ये इनकलाब ही एक रिएक्शन था दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म, जहाँ जहाँ सितम होता था, मिन जुमला जो एक खास जगह जहाँ पे जहाँ ये इनकलाब रुनमा हुई, तो ये एक रिएक्शन था जुल्म के खिलाफ। तो उधर कारगिल के दीगर हिस्सों की तरह इनकलाब इस्लामी की 45वीं सालगिरह जश्न रैली जामिया मस्जिद से शुरू हुई होकर ब्लॉक मारपो थंग पर अलीआबाद वापस अलीआबाद तरसपून पर इख्तिताम पजीर हुई। इसराइल, अमेरिका इसराइल, कारगिल में शदीद सर्दी और मनफी दर्ज हरारत के बावजूद 45वीं यौम इनकलाब इस्लामी की 45वीं सालगिरह भी मनाई गई है। 44वीं यौम आज़ादी की याद में मस्जिद, इमाम बारगाहों और रिहायशी मकानों की छतों को चिरंगा किया गया है। इस्लामी इनकलाब आयतुल्ला इमाम खुमैनी की क़यादत में 1979 के इस्लामी इनकलाब की फतह की अलामत हैं, जिसने अमरीकी हिमायत याफ्ता पहलुओं की हुकूमत की बादशाही हुकूमत का खात्मा किया है। यह उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने का भी दिन था जिन्होंने इस दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। रैली के दौरान हज़ारों मर्द, ख्वातीन और बच्चों ने ईरानी, हिंदुस्तानी और फलस्तीनी परचम उठाए रखे थे और ईरान और इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। दरिंग अल्हम्दुलिल्लाह अंजमन साहब जमान सूरो करगिल बसीज बकियतुल्लाह जवानान व तमाम मोमिनीन मोमिनीन व मोमिनात गामी वसातिका दरिंग दी यौमुल्लाह अजीम यक़ पर गुजार सूँ गंगामा थतकयत गमोयत कि गचस दिजो बेहतरीन अंदाज के बरगुजार बस व आयंदा संग हमेशा दीनी दिलुक से अनुक पेश पेश दुख चिन व खसूसन अची अंजुमन साहब जमानी तमाम वॉलेंटियर्स बसीच तमाम गामस यानी दियानुक थिलना खोस प्रलुक्स बस खुदावंद मुतालिक ना दुआबित खुदाई दि जक को ने कि अतिका मन्नत पुल जिनटे तंग जूनी इतुक फिंगन शोस तंग दुख जरंगा नेरा कुरान अनुक स्कोस छाना यौमुल्लाह मतस दिरिंग इनकलाब इस्लामिया लोप हेनंग तुंग सुमी दी शहनशाही युक्स ना वंग पैकना कि मीन मन अनमित बसे इंसानियत ला क्षेलचा बसे मन रंग दुचुस युल खक चनुक
ya di insanon di miun ki merik se sak batik dare nga tanga ngone ons behtarin rgyut rgyut po do chokla nane jak syut pin ki de ka khoda nazrin filhal ladakh special me aaj mere sath itna hi aap gulistan news ke sath bane rahe Kiskyo da chidol male. Skyo skyo rebu. Ma gela chu binga tinda masale. Ta ja khachik song. Chu tix pa ma binga. Chise suji gi mik pokpin. Ni da ga gotse jola. Gotse mane chi una chidol male. Mik chi phogain. Na ta ngal ta ma ta na. Chi bolten. Ton tak po. Nyon. Na ta ga thungchu lakmo thopche se fea ju a chokna. Tongpa tongpe na nalkar artena ta ibo nyara choma tutna silan chak song kene masale ya nyara no lang tene kazu nyara chos moten gala chile ma gala rak nyun yang nija sangman gala chos pinya na mang cha nga ta thongdu nga ta nalkaun nang ko ma khera nga ta mi masi philo abor tyongdu samtum nya na ta nang ko khera zat Sugate solarize bathroom jigotna te bathroom in ko khera zat ya chang medna ata agriculture department ni dandriya ata greenhouse tigna no greenhouse pina ko kherche sikana khakshe sikana ata skop nyan jese teno te na chokla agar chang manna nalka ochi na manna lakshup nimpa yodna rascha chito yodna te bina tumste nalka otonbo choste borche te na chokla ata ta yul suswa suswa thabding ata suswa suswa kol nyan cheno jese ata chanta ulang ata rikpa on wala rikpa ata berel na gyanste rikpa kane ata tonbo choste nalka ona borgen teno tene ata sham kaun la jinbat mang po yot kaun na phugma yot phugma danste berel na na te un kane ata nalka on tonbo choste shkopste borgen chisem manche ngamu ya pitok ng ata chupu dano ngera agar chu gang na ta ng gang tel tigne mang po te o chudu ki chu nalka o pude bordu te kane te nalke kane chu din kane khak bo shaje seno te wa shkopche si pe ngata tikpa tikpa pute nalka ek baltin jik na zoomste bor chu chachat la thikspa thikspa tolte borche sikane te wo ngata yusa chungyan te no semshala bangyan te no chuwa kodla chache mano aur ngata nalka wa shkopste lushe se nispa ngata ruler development department ni chokne ngata sok pit jana kya kavina ngata changsa na ngata lakpa thukani chu won chat pen samtum gyan te nalka wa te na dhunla kherte bor taki te te na sok pit pina te chuwa chen taki ngata khakbos miyo ngata chud overflow chakan muna tene na thims de ngata chen aur tevi kane ngata ground water bank recharge chen tene ngata gaungi na mangpo jage ka chamber zone ngata alale gate wall chamber jage na ngata kana ne lo da chuot tevi na ngyan na khubma buri na gyan ste steps ka azat ngata ka chalak pung ngata ra thobat ra yulina tena chalak un yuchu na tevi kane ngata te gate wall nate sama khakshe sikane ngata gak gyan teno men last po ngata drain out chik borto kya last ka chu sama tangsel tigne te o sok pit china ngai drain jono taki ngata na pai bina cham sik chu lus te yot na te chu na lus kan bo sama ana lok te cha jono ta i changma ngata thabding un kol te sui gi nangme din la khyak la chana tene ta te wala yang ata thab ji kol te chajena ngata dak sap pipe use chokan un mang chang ata plastic pipe kam ka wala ngata hdp pipe zen nang yot kya te un ngata use chusan Hala ngata chak si pipe use chot kya chak si pipe ngata me tangen teno ta yu la me tangen chen me kya te bi pya ngata yu la ta ka ju gi khyak chana khyak sun ka ju dolin stove ji ngata khampa mane met kan jik mane met kya pressure cooker met kan jik mane met kya te na pressure tangste te bi khazlang khazlang bi kane te wo pipe ki tangste ka bi na pipe bina khyak po chakan bina te khazlang bo puda zat na te bi kane ngata khyak po chama dolche no या दांग दे रेंग आता हीट गन जानो काविना लुंग स्पोट तोन मोवात बा हाई टेंपरेचर का लुंग ते जो तांगा ना पोंग आता ख्याक सुन डोल गेन चेनो या
simple inga sui khampa hair dryer on ngata hair dryer ba use chu ngenteno as a deep freezing chu jodi it thabding on khak chana mar chamtum nyana ngata khak sun cha chuk chus man ya chang man na nalka upar ya mar hante sun to chen ngata wall un plastic yodna te mas te shet tang tang na chak chak chus no te te chalak jane ngata ras chik chuton me na wangs te te nalka bi ka khil te borna te bi kan minash ngar chu borna po khak so dola no te nalka yang era puda zat yang era chu yono ata ladakh po climate thokne ma nga tang ma alag chi gotno baki mainland of india so ba nga tang chi chala nga tara la available yo te chala gun use choste khax chama chuga skopche se nga ta nimaz la chama nge juwa phule ta nga ha go o chu masale nga re wa rak ni ja chama nga ha go te to tongpa tongpe go na ka tongpa tongpe na nga chung chu la smo इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है